हमारे साथ इस वक्त जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह भी मौजूद है। गौरांग जी, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज आपकी तरफ से फंडामेंटल पिक्स कौन से होंगे, आपकी नजर कहाँ पर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। तो दो विकल्प है, एक मझौली कंपनी है सीमेंट क्षेत्र की जिसका नाम है रैमको सीमेंट। इस कंपनी के जो पहले तिमाही के नतीजे आए थे पिछले वर्ष के, वहाँ पर हमने सभी मापदंड पर इजाफे आते हुए देखे। वॉल्यूम्स ग्रोथ भी अच्छी तरीके से हुई, लागत खर्च को लेकर के थोड़े जो मार्जिन से प्रॉफिटेबिलिटी के उसमें थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला, लेकिन जिस तरीके से हमें उम्मीद है खपत सीमेंट की होगी, यानी कि कंजम्पशन जो सीमेंट का है वो मेरे ख्याल से आने वाले कई महीनों तक बहुत तीव्र गति से ऊपर जाएगा। और न तो सिर्फ केंद्रीय सरकार के तरफ से लेकिन राज्य सरकार के तरफ से जो निर्माण कार्य करना है वो भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो सुधार हो रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा सीमेंट के कंजम्पशन यानी कि खपत को लेकर के। इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अच्छी तरह फैले हुए हैं, मार्केट शेयर भी बेहतरीन है और चौतरफा मेरे ख्याल से योगदान बैलेंस शीट पर आएगा। लंबी अवधि के लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया है रामको सीमेंट के लिए वो है 940 का। दूसरी कंपनी है दिग्गज कंपनी ऑटो क्षेत्र की जो काफी चर्चा में रही है हाल ही में, वो है टाटा मोटर्स लिमिटेड। नतीजे जो आए थे वो थोड़े बहुत मापदंड में निराश किए थे, लेकिन उसी समय पर कंपनी ने जताया कि ये डेट फ्री बनाएगी कंपनी को। 80% मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल में। नए लॉन्चेस न तो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेकिन जो आइस इंजन यानी कि पेट्रोल या डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं वहां पर भी नए लॉन्च करेंगी। रिकवरी यूके और चाइना में मेरे ख्याल से जेएलआर को योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से देगी और न तो सिर्फ वहां पर लेकिन बाकी अन्य देशों में जिस तरीके से बिक्री हो रही है जेएलआर की उसको देखते हुए, और ऑफकोर्स चिप और सेमीकंडक्टर की जो दिक्कतें थी वो धीरे धीरे करके दूर हो रही है। कमर्शियल व्हीकल में बहुत बड़ा कारोबार है इसका और एमएचसीवी में और एचसीवी में टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, खास करके एलसीवी में जहां पर इसकी जो कमर्शियल व्हीकल है मेरे ख्याल से इसका भी करीबन 70-80% मार्केट शेयर है। जो मूल्यांकन पर शेयर कामकाज कर रहा है मेरे ख्याल से आकर्षित है और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए लक्ष्य हमने 620 के बनाए हैं। ये दोनों ही लक्ष्य निर्भर करेंगे, नतीजे अगर बेहतर आते हैं तो इसको ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे। बिल्कुल, तो सीमेंट स्पेस से रैमको सीमेंट और टाटा मोटर्स पर भी नजर रखे, ये दो मुनाफे का फंडा पिक्स गौरांग की तरफ से है। और आज ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आने वाले हैं, उस लिहाज से भी ऑटो स्पैक फोकस में रहेगा। आगे गौरांग से हम ये भी समझेंगे कि उनका क्या व्यू बन रहा है।